कि बनो वास प्रभु को भयो और भरति भय बेचीदी अपनी माँ से आज फिरी लगे बचनियों के नी। दोस्तों जिस समय प्रभु राम का वनवास हो जाता है अपनी माँ के पास में पहुंच जाते हैं भरत, बोले मैया तूने ये क्या कर दिया, मेरे प्राणों से प्यारे भैया को तूने वनवास भेज दिया, अच्छा नहीं किया। हो मैया तूने काठानी माँ, हो मैया तूने काठानी बन भेज दे भैया। बॉबी भरत बोले है मैया से, ओ मैया तूने माँ तू ऐसा कर देगी, ना तो जाता मुनि इतना गिर जाएगी, माँ कौन अभागिन होगी जो अपने लाल को जंगलों में भेज देगी। माँ अगर तू मान होती तो मैं तुझे इतना दंड देते जो दुनिया देखती, लेकिन क्या करूं ना तो जाता मुनि इतना गिर जाएगी। मैया तुझे कभी माफ नहीं करेंगे मां। कैसे तूने जान लिया मैया, कैसे तूने जान लिया तेरा भरत राज लेगा। जरा भी ख्याल नहीं किया कि तेरा भरत सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने प्राण को नहीं डाल सकता है। कैसे तूने जान लिया तेरा भरत राज लेगा। माँ
मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक भैया नहीं आ जाएंगे, भैया के दर्श नहीं कर लेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करेंगे। माँ जब वनवास हो जाता है, महाराज भरतलाल को पता चलता है तो आज खोज करने के लिए प्रभु की चल देते हैं, पीछे पीछे नगरवासी चल देते हैं। और जैसे ही आज देखा है प्रभु राम जो जंगल में बैठे हुए ही महाराज भरत चले हैं। अरे सुमिरि श्री गणेश शरदा से समनायो है, महाराज भरत ने अपने गुरु का सुमरण किया, माता पिता के चरणों में शीश को नवाया और कहे कि मैया जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाएंगे मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करेंगे। बारे भैया भैया का प्रेम, अरे सुमिरि श्री गणेश शारदा से समनायो है, भैया के खोजन के कारण कदम बढ़ायो है। महाराज भरत ने आज गुरु का स्मरण किया है, माता के चरणों में शीश को नवाया है, चले हैं भैया की खोज करने के लिए। जंगल में देखा है, अरे पहुंचे जंगल बीच कुटी जब भैया की रे पाई, उत छाड़े भरत भ्रात के संग में बोले समझ जाई भैया। बहुत सुंदर बॉबी प्रेम भैया, जैसे ही चले हैं महाराज भरत जंगल में देखा है बहुत सुंदर कुटी बनी हुई है, छोटे भ्राता लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। देख लिया लक्ष्मण ने कि भरत आ रहे हैं, दौड़ करके प्रभु राम के पास पहुंचे। अरे तोड़े लक्ष्मण प्रात खबर जब राम सुनाई है, उत आयो भैया आज सुनो मेरी कथा यगारी है, तुम अवतारी लक्ष्मण ने जैसे ये कहा है जाकर के भैया, लग रहा है कि भरत जो है चढ़ाई करने के लिए आ गए हैं, खोज साथ में हैं। बारी सोच कहा एक भैया के लिए, भैया परेशान और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु राम बोले, लक्ष्मण कैसी बातें करते हो,
मेरा भाई भरत ऐसा नहीं है, चढ़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है। उधर प्रभु राम चले हैं, उधर भरत चले हैं, आपस में मिलन जब हुआ है। अरे तोड़े आगे राम उते ते भरत जी आए ही, अब गिरे चरण पे राई राम ने गले लगाए ही। भैया चरणों में बहरा के भरत गिर पड़ते, आज जो है प्रभु राम ने गले से लगा लिया। भैया भैया ऐसा न करो। भरत बोले भैया अरे भरत जी रुदन मचायो है। भैया अरे भरत जी रुदन चायो है, मुते करो कपट को प्यार समझ भी मेरे आयो है। भैया प्रेम भैया आंखों से अश्रुधारा बह रही है भरत के, और बोले भैया आज पता चला है तुम हमें सच्चे दिल से नहीं चाहते थे, कपट का प्यार करते थे। अगर सच्चे दिल से चाहते होते तो हमें जरा भी बता दिया होता। हमसे ऐसी कौन सी भूल बन गई जो हमें एक बार भी बोला नहीं। अरे भरत की झूठी बबकारी। भैया अरे भरत की झूठी बबकारी, और गिरे चरण पे राई थी सदो चरण पे डारी। भैया भरत रोने लगे ही अश्रुधारा बहने लगी है। प्रेम भैया प्रेम की धारा बहती हुई जब प्रभु राम के चरणों में गिरी है, छाती से लगा लिया। भैया इस तरीका से न रुलाओ, आप रो रहे हैं हमको भी रोना आता है। आज इंद्र देखने लगा कि इन भाई भाइयों को कौन अलग कर सकता है। प्रेम भैया जो एक दूसरे के पीछे रुदन बचा रहे हैं। इधर गुरु बृहस्पति बोले बारे इंद्र इन दोनों भाइयों को अलग करने की चेष्टा मत करना, अगर ये दोनों भाई अलग हो गए तो प्रलय आ जाएगी। प्रलय इतना प्रेम है दोनों में। अरे प्रेम की लीला है प्यारी, अरे प्रेम की लीला है प्यारी, अरे लये गले से लगाई राम ने बैठाए भाई। भैया दोस्तों कथा तो बहुत बड़ी है, भरत का जितना भी बखान करें उतना कम है, लेकिन छपा चाहेंगे। अरे प्रेम की रीति निराली है, सब मिलजुल के तुम रहो अरजयक यही हमारी है। भैया
कितना भी नुकसान से लेना, कितना भी दुख से लेना, कभी अपनों से जुदा मत होना, अपनों से मत बिगाड़ लेना। अरे प्रात से मती बिगाड़ो रे भैया, भैया में कभी विघटन मत आने देना। हरे प्रात से मती बिगाड़ो रे सही लीजो कितनो कष्ट, प्रात से मती बिगाड़ो रे। भैया